हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीप्ति, DMIT काउंसलर एंड कोच। मेरा काम है आपके लाइफ के उन सवालों के जवाब देना जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपसे बिना कोई ज़्यादा सवाल पूछे। पर आज एक सवाल पूछती हूँ। आर यू बोर्ड अबाउट योर जॉब? मन नहीं कर रहा है काम पे जाने का? रोज़ सुबह उठने का मन नहीं करता है क्योंकि काम पसंद नहीं है? यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर वर्क? और या फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, करियर स्ट्रीम चूज़ कर ली है, अभी 1 or 2 years भी हो गए, बट समझ में नहीं आ रहा है कि कंटिन्यू करे कि नहीं करे, बिकॉज यू डोंट लाइक व्हाट यू आर स्टडी। सो आज यही सब सीखते हैं, यही सब जानते हैं कि किस तरह से इफ़ यू डोंट लाइक योर जॉब और इफ़ यू डोंट लाइक योर करियर स्ट्रीम, देन हाउ टू ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम इट। धीरे धीरे किस तरह से अपने करियर को ट्रैक पर लाएं और वो करें जो हमें पसंद है। क्योंकि जब हम वो करते हैं जो हमें पसंद है, जो हमारे पर्सनालिटी को मैच करता है, जो हमारे इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के हिसाब से होता है, तो हम ज़्यादा फोकस से काम करते हैं। वी टेंड टू बी हेल्दियर, हैप्पियर एंड फोकस्ड अबाउट आवर वर्क। व्हेन वी डू दोज थिंग्स विच वी लाइक, देन वी डू देम विद हाइटेंड ज़ील एंड एंथुजियाज्म, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन आवर वर्क एंड पर्सनल लाइफ बोथ। तो पहले बात करते हैं उन लोगों से जो ऑलरेडी जॉब में है लेकिन उनको करियर चेंज करना है, और उसके लिए क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सो देर आर टू मोस्ट इफेक्टिव वेज टू चेंज योर करियर ग्रेजुअली। फर्स्ट इज यू चेंज योर जॉब प्रोफाइल एंड कीप योर कंपनी से, और अदरवाइज यू कैन चेंज योर कंपनी एंड कीप योर ब्रॉड जॉब प्रोफाइल से। अभी इसका क्या मतलब है समझाती हुई बताती हूँ। क्या होता है कि कभी कभी हमको जो हम कर रहे होते हैं वो पसंद नहीं आ रहा होता है, जो काम हमें दिया गया होता है वो हमारे इंटरेस्ट का नहीं होता है। तो जब हमें काम पसंद नहीं आ रहा होता है तो जिस जगह पर हम काम कर रहे होते हैं धीरे धीरे वो जगह भी हमको पसंद आनी बंद हो जाती है। और कभी कभी उल्टा होता है कि हमको वो कंपनी का एनवायरमेंट, वो प्रोडक्ट ही पसंद नहीं होता है, तो इसलिए उस पर काम करने का मजा नहीं आता है, तो हमको लगता है कि हमको ये काम करना नहीं आता है, तो इसलिए फिर वो काम करने में मन लगना बंद हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों में से एक ही रीजन होता है, दोनों रीजन बहुत कम होते हैं। या तो आपको वो कंपनी का एनवायरमेंट और प्रोडक्ट पसंद नहीं होता है, या तो फिर आपको वो काम पसंद नहीं होता है। तो या तो आपको अपनी जॉब प्रोफाइल पसंद नहीं है, या तो फिर आपको वो कंपनी पसंद नहीं है। तो जब भी जॉब चेंज करने का सोचो, जब भी करियर स्विच करने का सोचो, ट्राई करो कि इन दोनों में से कोई एक चीज पहले करना है। दोनों एक साथ करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कैसे, एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि सोचिए आपका मार्केटिंग और सेल्स का जॉब प्रोफाइल है और आप एक सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग कर रहे हो और उसकी सेल कर रहे हो, तो लेकिन एक्सेल नहीं कर पा रहे हो अपने काम में, तो क्या सोचना है? ये सोचना है कि आपको मार्केटिंग ही पसंद नहीं है या फिर आपको सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग पसंद नहीं है। जब ये समझ में आ जाएगा, सही कारण समझ में आ जाएगा, पहले वो जानना, जब सही कारण समझ में आएगा कि आपको क्या पसंद नहीं, हो सकता है कि मार्केटिंग आपकी फोर्टे हो लेकिन आपको रियल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पसंद हो, उनकी कलर कॉम्बिनेशंस, उनकी पैकेजिंग, डिजाइनिंग, वो सब में मज़ा आता हो, तो फिर हमको उस तरीके की कंपनी ढूंढनी है जो हमारे पर्सनालिटी से मैच करती है, जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करती है, सो दैट आपको मार्केटिंग में मजा आए, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर मार्केटिंग पसंद नहीं आ रही है। ना कि आपको अपना जॉब प्रोफाइल नहीं चेंज करना है, आपको सिर्फ अपना कंपनी चेंज करना है। और दूसरा सिनारियो क्या है कि सोचिए कि आपको लर्निंग एंड डेवलपमेंट पसंद है पर आपने कंपनी में एंट्री ली एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, तो भी क्या हो रहा है कि आपको तो बातें करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, वो सब चीज़ें पसंद है, लेकिन आप कहाँ घुसे हुए हो टेक्निकलिटीज में, तो काम नहीं पसंद है वो। कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको वो काम ही पसंद नहीं। तो जब वो काम पसंद नहीं है तो फिर हमको क्या सोचना है कि इंटरनली कंपनी के अंदर ही किस तरह से उस डिपार्टमेंट में जाएं जहाँ पे हमको मन लगे, जहाँ पे हमको अच्छा लगे। तो उसके लिए क्या करना है, ट्रेनिंग्स लेनी है, इंटरनल कोर्सेज करने हैं, अपने सीनियर्स से बात करनी है कि किस तरह से क्या मेथड्स है, क्या प्रोसेस है इंटरनल ट्रांसफर्स के, और फिर वो चीज़ ट्राई करनी है जो उसी कंपनी में रहकर जो आपको पसंद है। अगर लर्निंग एंड डेवलपमेंट पसंद है तो कोर्सेज कीजिए, ट्रेनिंग्स लीजिए, इंटरनल ट्रेनिंग्स लीजिए और उसके बाद उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कीजिए। उससे क्या होगा, आपको
बहुत हेल्प मिलेगी और आपको मजा भी आएगा, कंपनी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ग्रेजुअली आप उस डायरेक्शन में चले जाओगे जो करियर पाथ आपको पसंद है। अगर आप लोग घर से काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि कैसे मोटिवेटेड रहें, कैसे फोकस के साथ काम करें, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको यहाँ टैग कर ली, प्लीज़ देखिए, आप लोगों को हेल्प करेगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो लोग ऑलरेडी अपना करियर स्ट्रीम चूज कर चुके हैं एंड अब कन्फ्यूज्ड है कि उसको कैसे पूरा करें, क्योंकि या तो वो स्पेशलाइजेशन उनको पसंद नहीं आ रही हैं या फिर दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कोप अप विद द प्रेशर्स इट इज क्रिएटिंग ऑन देम। तो क्या करना है कि पहले, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका कोर्स कितना कंप्लीट हो गया। इफ़ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर कोर्स 60-70%, देन बेटर यू फिनिश इट। थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट कीजिए और कंप्लीट कीजिए वो कोर्स को। उसके बाद फिर हायर स्टडीज के लिए वो चीज़ चूज कीजिए, वो एरिया चूज कीजिए जो आपके इंटरेस्ट का है। वो कोई भी स्पेशलाइजेशन हो सकता है, कोई भी कोर्स हो सकता है, छोटा या बड़ा, जो भी आपको पसंद है वो कीजिए। विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इट इज पॉसिबल एंड इट इज मोर ओपन टू चूज डिफरेंट थिंग्स इवन इफ यू हैव चूजन अ पाथ इन द पास्ट फॉर योर करियर। तो आप डिफरेंट चीजें चूज कर सकते हो। अगर मैथ्स किया है तो हिस्ट्री या फिर फिजिक्स या फिर बायो में जा सकते हो, या फिर साइकोलॉजी में जा सकते हो। अगर बायो लिया है तो लॉ में जा सकते हो अगर आपको वो चीज़ पसंद है तो, या फिर आप इवेंट मैनेजमेंट, इस तरीके की चीज़ें जो है वो बहुत ओपन है, बहुत कुछ भी आप कर सकते हो। तो अपना कोर्स पहले पूरा करो और उसके बाद फिर हायर स्टडीज़ के लिए वो चीज़ चूज़ करो जो आपके इंटरेस्ट की है, और कॉम्प्लीमेंट योर एजुकेशन एंड एड योर स्किल्स सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल एंड डू गुड इन फ्यूचर। जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में ही है, थोड़ा ही कंप्लीट किया है और उनको स्पेशलाइजेशन सब चूज करनी है और नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करें, या फिर जो ऑलरेडी चूज की है उसमें कंफ्यूजन है, तो आप इंटरनली कॉलेज को भी रिक्वेस्ट कर सकते हो प्रोसेस बताने के लिए कि आपकी सीट किसी और स्टूडेंट से स्वैप कर दें जो आपके डिपार्टमेंट में आना चाहता है। उससे आप दोनों ही लोगों का फायदा होगा। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ यू इफ यू कैन गेट इंटरनली स्विच। उससे भी अगर आपको नहीं फायदा हो रहा है तब फिर अगेन थिंक अबाउट इट कि अगर आपने फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट किया है या फिर थोड़े दिन पहले ही आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है और अब नहीं समझ में आ रहा है वो कोर्स, देन थिंक अगेन कि अभी आपके पास क्या ऑप्शंस बचे हुए हैं जो कि आपकी रैंकिंग के हिसाब से और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपके पास अवेलेबल है, एंड कैन यू चूज देम। जब वो करोगे तब फिर आपको क्लैरिटी आएगी कि अभी हमको यही में आगे कंटिन्यू करना है या फिर हम अभी चेंज कर सकते हैं। रिमेंबर देयर आर वेरी फ्यू यू-टर्न्स व्हाइल यू आर चूजिंग द करियर स्ट्रीम। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि 10th और 12th के स्टूडेंट्स किस तरह से क्या क्या बातें ध्यान में रखें अपना करियर चूज करने के लिए, उसको भी यहाँ टैग कर रही हूँ, प्लीज जरूर देखो, हेल्प मिलेगी। और अगर कोई और क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो मुझे फोन करो, ईमेल करो दिए गए नंबर या ईमेल आईडी पर। आप लोगों को ज्यादा जानकारी चाहिए, ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरी वेबसाइट पर जाओ www.dishadeepan.com, वहां पर भी आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो हेल्पफुल है वो मिलेगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो, और खुश रहिए, हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड कीजिए, अपने करियर्स में, अपनी पर्सनल लाइफ में अच्छे से रहिए, चूज राइटली, चूज वाइजली एंड बी हैप्पी। थैंक यू।